दोस्तों, मैं जानता हूं आपके घर में भी कई कीड़े मकोड़ों ने डेरा डाल रखा होगा। अगर आपको इन्हें भगाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा है तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने से आपको इनसे जल्दी राहत मिलेगी। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इनसे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं रहेगा। मक्खियों को दूर भगाने के लिए कोशिश करें कि घर साफ और दरवाजे बंद रहे। बावजूद इसके मक्खियां घर में आ जाए तो कॉटन बाल को किसी तेज गंध वाले तेल में डुबोकर दरवाजे के पास रख दें। तेल की गंध से मक्खियां दूर रहती हैं और इस उपाय को आजमाएंगे तो वे आपके घर से तुरंत भाग जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी छिपकलियां हैं तो अंडे के खाली छिलकों को कुछ ऊंचाई पर रख दें। अंडे की गंध से छिपकली दूर भागती है। इनको घर से भगाने का ये एक कारगर उपाय है। अगर आपके घर में भी कई सारे कॉकरोच घूमते रहते हैं तो आप काली मिर्च, प्याज और लहसुन को पीसकर मिला लें और इस पेस्ट में पानी डालकर एक सोल्यूशन तैयार कर लें। इस सोल्यूशन को उन जगहों पर छिड़के जहां कॉकरोच बहुत ज्यादा हैं। इसकी तेज गंध से वे भाग जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं चूहों के बारे में। चूहों को पिपरमिंट की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर घर में चूहे उत्पात मचा रहे हैं तो रुई के कुछ टुकड़ों को पिपरमिंट में डालकर उनके होने की संभावित जगह पर रख दें। इसकी स्मेल से उनका दम घुटेगा और वह मर जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों खटमल के बारे में। प्याज का रस खटमल को मारने की नेचुरल दवा है। इसकी स्मेल से उनकी सांस बंद हो जाती है और ये तुरंत मर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में चींटियां हैं तो चींटियों को भगाने के लिए आप जहां पर चींटियां हो वहां पे हल्दी फेंक दीजिए, चींटियां भाग जाएंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशुतोष इजाजत लेता हूँ आपसे। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।